यार हमारा टर्की बर्ड ना वहां से छलांग मार के ना यहाँ पर आ गया है, तो इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। मुझे बाहर ना ऐसी आवाजें आ रही थी, मैंने कहा मुर्गी की आवाज है। आ जाओ यार बच्चों, आ जाओ हेल्प करो यार, मैं अकेला हूँ, तुराब है नहीं यार, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। आराम आराम से, कांटों में फंस गया हूँ, पकड़ लो, कुछ नहीं कहता ये। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश यार, इससे तो बड़ा ही टर्की बर्ड है, कमाल कर दिया। आपने बताया भी नहीं कि ये बाहर है, आप देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं इसे बैठे बैठे। चलो जी, जाओ भाई जाओ भाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो यार ये कुछ सब्जियां हैं जो कि हमारे नेबर ने हमें दी हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि सब्जियां वगैरह ना हमारे नेबर हमें दे के जाते हैं और कहते हैं कि जो आपकी बकरी बच्चे देने वाली है ना, ये उसको खिला दीजिएगा। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे नेबर्स को भी हमारी बकरियों की फिक्र है, उनका ख्याल रखते हैं। और ये हमारी दोस्तों है बच्चे देने वाली बकरी, और माशाल्लाह दोस्तों ये बहुत शौक से सब्जियां खाती हैं। चलो भाई खा लो ये भी तुम, एक मिनट। ये मूली के पत्ते और मूली के छिलके बहुत शौक से खा रही हैं यार। मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई हमें जोजो को दिखाएं, जोजो बहुत दिनों से हमने नहीं देखा। तो मैंने भी यार जोजो को नहीं देखा था, अभी मैं भी देख लेता हूँ जोजो, मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी, मेरे ख्याल में छुपा हुआ होगा कहीं पर। ये कौन सा टर्टल है, ये तो और है, जोजो नहीं है ये, आपका जोजो होगा। ये है दोस्तों हमारा जोजो, माशाल्लाह हमारा जोजो वैसा ही है जैसा कि पहले दिन आपने देखा था, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हुई। ये जो टर्टल है ना ये बढ़ता नहीं है, अगर बड़ा इसमें होना होता तो अब तक इसकी ग्रोथ पे काफी फर्क आ चुका होता, लेकिन ये वैसा ही है। नहीं चाचू ठीक है, जोजो को कुछ नहीं हुआ। चलें दोस्तों इसको वापस छोड़ देते हैं, जाओ जोजो बाय बाय। चाचू ये आपने क्यों लिया था? ये चाचू हमने ना वाटर के टेम्परेचर को चेक करने के लिए लिया था, और अभी दोस्तों टेम्परेचर है 22। ये देखे ना लाल जो लाइन है ना, ये 22 पे आके रुक रही है। तो मेरे ख्याल में दोस्तों इस टेम्परेचर पर हीटर चलाने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी मछली इस पानी में सर्वाइव कर लेंगी। काफी भाई मुझे कह रहे थे दोस्तों कि रैबिट के हाउस को ना चेक कर लिया करें, जहाँ पर इसने सुरंग बनाई हुई है, ये ना हो कि बच्चे इसके अंदर रह जाएं और बाहर ही ना आ पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सामने ये पिलर आ जाता है जिसकी वजह से मैं अंदर या हाँ हाँ यही देखे गया था वापस। किसी ने वैसे दिया था, गिफ्ट दिया था या वैसे कुछ? नहीं नहीं, इन्होंने बोला था कि हमारा रख लें। अच्छा। और हम वापस ले जाएंगे। ओ, अच्छा मैंने समझा कि हमें दे के गया गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, वो अब आपको वापस चाहिए? यहाँ पे था यार वो बिल्ली ले गई है रात को, कहाँ है? अबे बिल्ली ले गई है शयान यार। क्यों डरा रहे बच्चे को, इधर आराम से दोस्तों बटेर बैठा हुआ है, इसको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर दाना भी आम है, सुकून से घूमता रहता है खुले में। ये किसका, आपका है आपके भाई का है? मेरे भाई का। कितने का लिया था? 80 रुपए का। मैं आप आपको इसके मैं 500 रुपए देता हूँ, मुझे देते हो? बाबा से पूछ के जाओ। ये बटेर दोस्तों हम अभी नहीं देना चाहते इनको, क्योंकि इसकी हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसकी टांगे भी जख्मी है, तो हम चाहते हैं कि हम इसको खुद ही पालें। और वैसे भी इनका एक बटेर बिल्ली ले गई थी, मुझे लगता है ये भी बिल्ली के हाथ में ही दे देंगे, तो मैंने बोला है इसलिए इसने 500 ही बोल दिया। यार बंदा देख के बोलता है। ये दीवारें और ये दीवारें तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं, तो अभी भी भाई लगे हुए हैं, शाम का टाइम है, फिर भी काम जारी है, क्योंकि काम को जल्दी निपटाना है, इसलिए भाई भी लगे हुए हैं, जोरों शोर से काम जारी है। ये दीवारें आपने देखा था कल यहाँ तक बनी थी, तो दूसरी वाली भी बनना शुरू हो गई हैं। ये देखें, इस साइड की दीवार यहाँ तक बनी है और ये वाली साइड रहती है, और वहाँ से भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने वाली है, बस वो गेट की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। उधर देखें तो आप क्या कर रहे हैं, घर वाले कहते नहीं मानते, नहीं मान रहे, मर जाएगा ये। 500 दें तुम्हें, 500 दें फिर मानेंगे घर वाले, 1000 रुपए दें फिर मानेंगे, 2000 3000 5 10 लाख 2 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं। अबे यार ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, फ्री में दे दो फिर। हाँ 500 में नहीं दे रहे, जाओ क्या कर लोगे, अब तो दे दिया है भाई। ये हमने पालना है यार, इसकी तबीयत सही नहीं है, इसको समझो यार, तुम भी समझ लो, इसकी जब टांगे ठीक हो जाए। इसका भाई वो, उसने बोला है मुझे कि वो देखो भाग गया, यही असली मुजरम, उसको पकड़ के होशियार जाओ। सही है भाई, क्या मतलब पकड़ के आयो, घर जाओ बच्चे भाई, चाओ जाओ आप जाओ, कुछ नहीं कहता, ऐसे मजाक किया था यार इसके साथ, जाओ जाओ ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। क्या खाना है दोबारा ले आयो, घर वालों ने दिया अब भाई, उसका बड़ा भाई आया वो कहता है यार ले लो, कोई नहीं घर वाले कह रहे हैं आप रख लें, उस बच्चे ने तो 10 करोड़ में भी हमें नहीं दिया। अब फ्री में मिल गया, वापस आ गया। चलो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जाओ खुश रहो।
मुझे समझ नहीं आ रही है फाउंटेन गंदा क्यों हो रहा है। मट्टी वट्टी तो नहीं है, हम सफाई तो प्रॉपर कर रहे हैं, पानी भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ये मछलियों का अपना गंद होगा, लेकिन इसके हल के लिए भी मैंने ना एक चीज़ मंगवाई हुई है, वो तकरीबन 20-25 दिन लगा देगी आने में, क्योंकि वो पाकिस्तान से नहीं है, वो मैंने बाहर से मंगवाई है, उस पर टाइम लगता है आने में, इसलिए तब तक तो फाउंटेन को भाई ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ की सफाई नीचे की हो नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ये, इम्पॉसिबल काम है ये भाई। इसका समझ यार इतना दूर जाके छुप के बैठ जाता है, हमसे डरता है, पता नहीं क्या वजह है। वैसे भी हमने इसको टेम तो करना नहीं है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, बस इसको आज़ाद करना है जल्द से जल्द, इसके पर आने की देर है। हमने यार बकरी को थोड़ी देर के लिए ना बाहर छोड़ा हुआ है, ताकि इनकी पाँव शाँव थोड़े से चलें फिरें, क्योंकि ये जगह छोटी होती है ना इनके लिए, सारे दिन इधर खड़े रहें तो अच्छा नहीं होता, थोड़ा बहुत इनको घुमाना भी चाहिए, चूजों का ख्याल करें बस ये। इसकी दोस्तों अब मैं करने लगा हूँ कटिंग, क्योंकि इस बेचारे की आंखों पर बाल आए हुए हैं सारे, और इसके पीछे मुर्गे लगे होते हैं, और भागते दौरान ये गिर जाता है, इसको नजर नहीं आता, तो आज इसकी आंखों के आगे से बाल हटा रहा हूँ, ताकि आराम से ना अपने आप को सेव कर सके। आंखें निकाल लो बस। चलो भाई यहाँ से देखो सारे बाल हैं, और इसको काफी मसला होता होगा भागने में। सही है, हटाओ हटाओ हटाओ, बस काफी ज्यादा ना हटाओ, उसकी खूबसूरती खराब हो रही है यार, वाले ये वाले बाल है, मैं ऊपर कर लेता हूँ, अब हटा लो, हाँ अब हटा लो, हटा लो हटा लो, हाँ ये वाले सही है सही है। ये देखें इतने बाल निकाले हमने, गलत काम करते हैं यार, ये मिक्स दाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से ना इनका पेट खराब हो सकता है, और इसका तो हो भी गया था, फिर भी ये बाज नहीं आ रही, बस बंद हो गया। अब हर जानवर हमारा गोट फार्म में होता है, ये देखें मुर्गियाँ, चूजे, टर्की बर्ड्स, ग्यूनाफल, सारे के सारे इधर ही हैं, कैसे मासूमों की तरह खड़े हुए हैं यार सारे, मेरा मुंह देख रहे हैं, जैसे अभी इनको कुछ खाने को कुछ नहीं मिला, जिंदगी भर भूखे हैं ये, सुबह से खा रहे हैं, सुबह से ऐसे भूखों की तरह यार देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। एक महीने का दोस्तों दाना हम लेकर आए थे, यकुम के बाद हम लेके आए थे, और आज तारीख है दोस्तों 27, मतलब पूरा महीना चला है, अभी 1.5 किलो बच्चा हुआ है, मतलब 1-2 दिन और भी चल जाएगा। थोड़ा सा मिक्स दाना दोस्तों हम अपनी बकरियों को भी दे देते हैं। वजह अभी क्या कह रहा था मैं, पेट खराब होता है, तुम दे रहे हो ज्यादा देने से होता है, उस दिन उसने ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से मोशन लग गया। अच्छा मतलब इसको अपनी मर्जी पे नहीं खाने देना होता, बिल्कुल थोड़ा सा जितना डालना हो एक क्वांटिटी में, है ना, अपनी निगरानी में देना है बस। चलो सही है, और गाना भी खत्म हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।